हरे कृष्णा। 2022 को गुड बाय कहते हुए और 2023 का वेलकम करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला साल कैसा रह सकता है आपके लिए। तो जोडियक साइन की रीडिंग होगी। ऑलरेडी एक रीडिंग अपलोड हो चुकी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो जैसा कि अभी का रीडिंग होगा वो होगा लियो का। तो 3 डेक है, तीनों में से हम तीन तीन कार्ड्स लेंगे। शुरुआत करते हैं शफल करके। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स का, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। तो आप शायद किसी लियो से मिल सकते हैं या फिर किसी एरीज से मिल सकते हैं या फिर किसी सैजिटेरियस से। और ये पर्सन शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचता है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी लव लाइफ से जुड़ी बातें हो सकती है। हो सकता है आपको कोई रिश्ता आ सकता है और उस रिश्ते में ये पर्सन थोड़ा अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने को लेके कंफ्यूज हो सकता है। यानी कि कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि दिल में तो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो कमिटमेंट का इशू हो जाता है उनको। तो शायद आपको ऐसे किसी बात से डील करना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स एरीज लियो सैजिटेरियस। ये तो शादी का ही कार्ड माना जाता है, हैप्पीनेस से जुड़ा। तो अगर आप शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि आपको मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं और फाइनल कुछ डिसीजन हो नहीं पा रहा, ऐसा अगर हो रहा था तो ये साल आपके शादी के लिए बेस्ट हो सकता है। यानी कि इस साल आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है अगर आप शादी के लिए प्रपोजल्स वगैरह देख रहे तो। और नेक्स्ट द फूल न्यू बिगिनिंग। जिंदगी में केयर फ्री हो के अपने सपनों को पाने के लिए आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फूल की एनर्जी होती है कि वो भगवान भरोसे यहाँ से छलांग लगाने को भी तैयार है। उसको यकीन है कि अगर ऊपर वाला मुझे देख रहा है तो वो मुझे नीचे गिरने नहीं देगा। ये जो डॉग है वो डर रहा है कि इस फूल को कहीं चोट ना लगे। तो वैसे ही शायद आपके घर वाले अगर आपको जिंदगी में कोई नया कदम लेने से हमेशा रोकते रहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है, फिर भी उस फिक्र के बावजूद आप कोई नया स्टेप लेने के बारे में सोच सकते हैं। जहाँ पे आपको लग सकता है कि मुझे बस अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है, एक नई शुरुआत करनी है, तो ऐसी कोई नई शुरुआत इस साल आप कर सकते हैं केयर फ्री होके। ओपन योर आईज। सेकंड सिचुएशन नहीं टू द सिचुएशन। तो जैसे ये कार्ड बता रहा है कि ओपन योर आईज टू द सिचुएशन, मतलब जो हालात है उनको देखना भी जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप अगर भगवान के ऊपर भरोसा रख के जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ही, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सोच समझ के फैसला लेना हमेशा सही होता है, वैसे ही आपको हर एंगल से सोचना है हालात के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, और उसी बात को सोचने के बाद नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोचना है। नेक्स्ट है यू हैव द स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर तो वो हिम्मत है ही, यानी कि सामने वाला पर्सन भले ही कंफ्यूज हो, उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि कमिटमेंट को लेके वो क्या बोले, लेकिन आप में वो बात है कि आप उसको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं या समझा सकती हैं कि आप दोनों को अगर साथ में आगे बढ़ना है तो क्या करना जरूरी है। मतलब
सारा जो माहौल है या फिर जो भी दिक्कतें हैं उनको हैंडल करने की जो हिम्मत है वो आपके अंदर है। शायद उस हिम्मत को अगर आप यूज करेंगे तो पक्का ये आपकी शादी तक आपको ले जाने के चांसेस है। फिर है टेक एक्शन इफ इट्स नेसेसरी। तो जहां पे भी आपको लगता है कि अभी एक्शन लेने की जरूरत है, सामने वाला पर्सन एक्शन नहीं ले रहा, आपने काफी वक्त से वेट एंड वॉच की एनर्जी में खुद को रखा है, तो यहाँ पे आपको और रुकने की जरूरत है नहीं। वेट एंड वॉच करने से अच्छा है कि आपको लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो आप जरूर जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि कई बार हम इंतजार करते रहते हैं और अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकलती चली जाती है। फिर है प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो जैसे ये दोनों एक साथ वक्त बिता रहे हैं, एक प्लेफुल एनर्जी है, दोनों भी एक दूसरे को एहसास करा रहे हैं कि दोनों के भी दिल में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। वैसे ही आपको अगर लगता है कि आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उनके साथ वक्त बिताने के कई सारे पल मिल सकते हैं। गार्डन में कहीं घूमने जा सकते हैं आप, या फिर किसी बीच के किनारे, या फिर आपको ऐसा थोड़ा क्वालिटी टाइम मिल सकता है कि जहाँ पे आप दोनों को ये एहसास हो कि आप दोनों भी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। फिर है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपके जो जज्बात हैं आपके सामने वाले पर्सन के लिए, जो भी एहसास है, उन बातों को आपको एक्सप्रेस करना है, उस पर्सन को ये एहसास दिलाना है कि आपके दिल में एग्जैक्टली उनके लिए क्या है। और जब वो ये बात समझेंगे तो जरूर ये पर्सन अगर कंफ्यूज रहता है तो इस कंफ्यूजन से वो बाहर निकल आएंगे, उसमें उनको हेल्प होगी। और नेक्स्ट है हनीमून। ये तो हमें कंफर्मेशन का ही कार्ड मिला, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमें कार्ड मिल चुका था शादी का, और उसके बाद आया है रोमांटिक फीलिंग्स, प्लेफुलनेस और अब हनीमून। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो अगर आपकी शादी इस साल मतलब आने वाले साल में हो जाती है तो आपने जहाँ पे भी सोचा है वहां पे ये पर्सन आपको हनीमून के लिए ले जाने के बारे में जरूर कंफ्यूजन में हो सकते हैं। मे बी उन्होंने कुछ और जगह सोची हुई हो सकती है, आपका मन कुछ और हो सकता है, लेकिन आप दोनों जहाँ पे भी रहेंगे वहां पे आप एंजॉय कर सकते हैं अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिता के। तो ये तो ऑलमोस्ट हैप्पी हैप्पी कार्ड आया है और ऑलमोस्ट रीडिंग ही सभी हैप्पीनेस से जुड़ा है। तो अगर आप शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आई विश कि आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिल जाए। तो ये था आपका रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। 2022 को गुड बाय कहते हुए और 2023 का वेलकम करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। तो रीडिंग होने जा रही है वर्गो की, यानी कि कन्या राशि की। तीन डेक है, तीनों में से हम तीन तीन कार्ड लेंगे, तो देखते हैं कार्ड समय क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है द वेल का, यानी कि काफी वक्त से अगर आपने इंतजार किया है, आपकी कोई ऐसी विश थी जिसको पूरी होने के बारे में आपने हमेशा सोचा है, तो इस नए साल में आपकी वो ख्वाहिश, आपकी वो विश पूरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो आप शायद किसी लियो से डील कर सकते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए काफी ज्यादा पैशनेट फीलिंग्स हो सकते हैं, हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो,
क्योंकि यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है। तो ये पर्सन आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कुछ सोच सकता है, या फिर आप दोनों को हिम्मत से काम लेने की जरूरत भी महसूस हो सकती है, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। यहाँ पे ऐसी बात है जैसे यहाँ पे एक शेर है और ये एक ह्यूमन बीइंग है, फिर भी ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वैसे ही शायद आप जिससे मिलेंगे या फिर ऑलरेडी मिल चुके हैं और आपके दिल में भी उनके लिए जज्बात है, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे ऑलरेडी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि आप दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। यही मेन बेस है अट्रैक्शन का, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो उनको इस तरह से समझ सकती हैं या समझ सकते हैं। तो काफी ज्यादा रोमांटिक कनेक्शन भी आपका इनसे और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। फिर है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप किसी जेमिनी से डील कर सकते हैं, किसी एक्वेरियस से डील कर सकते हैं, या फिर किसी लिब्रा से यानी कि तुला राशि के पर्सन से डील कर सकते हैं, जिनकी बातों की वजह से आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि आप कहीं पे कुछ फंस गए हैं, या आपके घर वाले भी हो सकते हैं जिनसे आप बात करने में थोड़ा हिचकिचा सकते हैं, या फिर आपको लग सकता है कि मैं अपनी बात उनके सामने कैसे रखूंगा या कैसे रखूंगी। तो ये कम्युनिकेशन को लेके थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस आपको फील हो सकते हैं अगर आप इस पर्सन के साथ उस रोमांटिक कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं। तो स्टॉप एंड ब्रीथ। अगर आपको लगे कि आप काफी ज्यादा एंग्शियस हो रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, रिलैक्स होने की कोशिश करनी है। यानी कि जब भी हम सोचते हैं तो बहुत आगे तक की बात को लेके सोचते हैं, जैसे कोई किसी के साथ शादी करना चाहता है, तो इनकेस मान लीजिए किसी के घर वाले तैयार नहीं है, तो बात लास्ट तक सोचते कि अगर उन्होंने नहीं रजामंदी दी तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। इस तरह की बातों को सोचते सोचते हमारा दिल जो है वो घबरा जाता है, जिसकी वजह से निगेटिव माइंड सेट में हम स्टक हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी फील होता है तो आपको आगे तक का इतना सोचने की जरूरत नहीं है, खुद को रिलैक्स करना है, कुछ मेडिटेशन वगैरह करना है, जिसकी वजह से आपको पॉजिटिविटी फील हो सकती है और आपको सोचने में भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका माइंड पॉजिटिव दिशा में कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा। तो फिर है चूज वाइजली। तो आपको जो भी फैसला लेना है, आपको जो भी ऑप्शन, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि घर वाले कुछ आपके सामने ऑप्शंस रखे और ये पर्सन तो ऑलरेडी आपके लाइफ में है ही, तो आपको चूज करना है कि आपके लिए सही क्या है। कई बार ऐसा होता है सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से भी लोग एक दूसरे की तरफ खींचते चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो प्यार गहरा था ही नहीं, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन था। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको जो भी ऑप्शन है आपकी जिंदगी के बारे में, आपके हैप्पीनेस से जुड़े, उनको अच्छी तरह से सोच समझ के चुनना होगा। फिर है यस यस यू कैन। तो आप यहाँ पे दो बार यस आए हैं, तो आपके जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होने के लिए आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और अगर किसी को समझाना भी है कि ये मेरा प्यार है या मैं इसी के साथ खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो उनको समझाना भी आपको आ सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था और ये कार्ड भी वही कंफर्मेशन दे रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं भी, तो भी आप उनसे आसानी से निपट पाएंगे क्योंकि आप में वो कम्युनिकेशन की ताकत है। फिर है रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो काफी वक्त से अगर आप दोनों कमिटमेंट से जुड़े कुछ प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, तो जल्दी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत है नहीं। रिट्रीट यानी कि और ज्यादा आप दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताने की जरूरत है, एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने की कोशिश है। कई बार ऐसा होता है कि हम सबको बताने की फिराक में होते हैं कि मुझे बस अब अनाउंस करना है कि फाइनली हम दोनों एंगेज हो रहे हैं या फिर इस साल हम शादी करने वाले हैं। ऐसा अगर आपके दिलो दिमाग में चल रहा है तो इतनी भी जल्दी कुछ करने की जरूरत है नहीं, वक्त वक्त की बात होती है। पहले आप दोनों को एक दूसरे को थोड़ा समझना होगा, एक दूसरे की कमियां क्या है, हमें इस पर्सन के साथ जिंदगी बितानी है उसकी खामियों के साथ, उसकी अच्छाइयों के साथ, जिसकी वजह से उस पर्सन को अच्छी तरह से जानना जरूरी होता है और वो भी हमारे मूड्स को हैंडल कर सके, इतना हमें उसको भी क्लैरिटी देनी जरूरी होती है। तो ऐसा वक्त आपको बिताना मिल सकता है। फिर है अनरिक्वायर्टेड लव। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो जैसा कि ये कार्ड भी बता रहा है कि अगर आप टोटली ही एक दूसरे से अपोजिट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको महसूस हो सकता है, कुछ लोगों के साथ, जरूरी नहीं है सबके साथ, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन तो मुझे समझता ही नहीं है,
इसका तो बिल्कुल ही टोटल नेचर ही अलग है, इसकी ख्वाहिश अलग है, इसके लाइक्स डिसलाइक अलग है। मतलब मान लीजिए किसी को वेजिटेरियन फूड पसंद है और कोई नॉन वेज खाना चाहता है, आप भले ही दोनों लंच के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन कभी ना कभी तो अगर शादी के बाद आप दोनों को साथ में लंच करना पड़ेगा एक ही साथ। अगर आपके पर्सन नॉन वेज खा रहे हैं, आप वेज खा रहे हैं, तो क्या आपको ये सब खाना आप खा पाएंगे, या फिर उस पर्सन को भी वो हैप्पीनेस मिल पाएगा जो वो फूड एंजॉय करना चाहते हैं। तो कई सारी बातें होती है शादी के बाद के छोटे छोटे इंसिडेंट्स से जुड़ी, उनके बारे में भी आपको सोचना है, समझना है, और उसको सोच समझ के फिर फैसला लेना है। क्योंकि आप मान लीजिए कोई नॉनवेज नहीं पकाता और ससुराल वाले कहते हैं कि नॉनवेज पकाना होगा, हम लोगों का तो नॉनवेज के बिना बनता नहीं है, या फिर आपको नॉनवेज पसंद है और घर वाले तो मतलब उस पर्सन के घर वाले प्योर वेजिटेरियन है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो कई सारी बातें होती है, जैसे सुबह उठ के नाश्ता क्या होगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, घर के कुछ रूल्स अलग होते हैं और अंडरस्टैंडिंग हर किसी की अपनी अपनी होती है। तो आपको सोच समझ के फैसला लेना है, सिर्फ अट्रैक्शन की बेस के ऊपर नहीं जाना है। और फाइनल कार्ड है कीप एन ओपन माइंड, योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम यू अनयूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो शायद आप अपने सोलमेट से ही डील करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि वो कंप्लीट ही आपसे अलग है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और ये क्यूपिड है जिसने ऑलरेडी आपको भी अपने बाणों से हिट किया है और आपके पर्सन को भी हिट किया है। तो अगर ये किस्मत में ही लिखा है कि आपके सोलमेट के साथ ही आपकी शादी होनी है, तो आपको उनकी सब बातें अच्छी लगेंगी ही और उनको भी आपकी बातें अच्छी लगेंगी, और मैनेज करने का तरीका या फिर कोई सोल्यूशन भी आप दोनों को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना है ये समझ में आ सकता है इस नए आने वाले साल में। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में 2022 को गुड बाय कहते हुए और आने वाले साल को वेलकम करते हुए हम अब रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा की, यानी कि तुला राशि की। तीन डेक हैं, तीनों में से हम तीन तीन कार्ड लेंगे, देखते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो आप किसी जेमिनी से डील कर सकते हैं, लिब्रा यानी कि खुद की आपकी जैसी राशि है वैसे ही सेम पर्सन से डील कर सकते हैं, या फिर किसी एक्वेरियस से डील कर सकते हैं। अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो हो सकता है आपकी बातों के ऊपर कोई फिदा हो सकता है, यानी कि आपकी बातें उसे बहुत ज्यादा पसंद आ सकती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें लग सकता है कि आप दोनों में काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप कोई मेल पर्सन है तो आपको कोई ऐसी फीमेल से डील करना पड़ सकता है जो क्लियर कट बात करने की आदि हो सकती है, यानी कि ये आप जिसको पसंद करते हैं उसकी मॉम भी हो सकती है। मतलब कुछ सवाल शायद आपको सीधे सीधे देने के लिए वो बोल सकती है, तो क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले किसी इंसान के साथ आपको डील करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी देनी पड़ सकती है। फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो किसी टॉरस से डील कर सकते हैं, किसी वर्गो से डील कर सकते हैं, या फिर किसी कैप्रिकॉन से डील कर सकते हैं। वो पर्सन शायद बहुत ज्यादा मेहनती हो सकता है। अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो हो सकता है ये पर्सन आपके लिए शादी का प्रपोजल बन के आ सकता है, या फिर
आपको शायद वर्क प्लेस पे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या फिर घर से जुड़ी बातों में भी शायद आपको काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, यानी कि आपको और भी ज्यादा अपने बेस्ट देने की जरूरत पड़ सकती है। और नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप किसी कर्क राशि वाले इंसान से डील कर सकते हैं या फिर किसी वृश्चिक राशि वाले इंसान से या फिर किसी मीन राशि वाले इंसान से। ये भी शायद आपके लिए मैरिज प्रपोजल ही हो सकता है और इट्स अ गुड चांस कि आपको लग सकता है उस पर्सन से मिलके कि हाँ यही है आपका बेटर हाफ, यानी कि उसको देख के आपको बहुत ज्यादा प्यार दिल में फील हो सकता है, आपको एहसास हो सकता है कि आपको भी उनसे प्यार हो चुका है या फिर आप भी उनसे प्यार करते हैं या करती है, और आपको भी ये मन कर सकता है कि आप उनके साथ अपना ये प्यार का कप एक्सचेंज करें। यानी कि अगर आपको अभी तक किसी ने मैजिकल वर्ड्स नहीं बोले हैं तो इस साल आपको वो वर्ड्स सुनने मिल सकते हैं। से यस टू लाइफ, जैसे ये कार्ड बता रहा है कि सामने से अगर कोई आपको बता रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करता है या फिर वो आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है, भले ही वो थोड़ा क्लियर कट बोलने वाला इंसान हो, साफ साफ कुछ बातें कहने की उसकी आदत हो और आपको लगता है कि हाँ उससे आपकी कई सारे जिंदगी की खुशियां जुड़ी है, तो आप हाँ कह सकते हैं क्योंकि वहां पे शायद आपकी जिंदगी आपको ले जाना चाहती है। फिर है हैव अ फेथ इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखना है, आपका दिल आपको जो बता रहा है। जैसे यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन आपके साथ अपने प्यार का कप तभी एक्सचेंज कर पाएगा या कर पाएगी जब आप रेडी होंगे, और आपको ये नहीं भूलना है कि एंजल्स आर वॉचिंग यू। तो आपका अगर मन कर रहा है तो आपको ये भी याद रखना है कि कहीं ना कहीं एंजल्स ने भी शायद इस पर्सन को आपके लिए चुना है, जिसकी वजह से आप अपने दिल के ऊपर भरोसा करते हुए कुछ फैसले ले सकते हैं या ले सकती है। मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, जिंदगी में सबको आगे बढ़ना ही होता है। हम कई बार बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी भी ड्रेन होती है और बातों बातों में हम उलझ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और ये आपका रास्ता हो सकता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप शायद इस साल में बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो जैसे कि टू ऑफ कप्स का भी कार्ड हमें मिला था, शायद कोई ऐसा मैरिज प्रपोजल आपके सामने आ सकता है जिसको देखते ही आपको रोमांटिक फीलिंग एक दूसरे के बारे में फील हो सकती है, या फिर अगर ऑलरेडी कोई आपके लाइफ में है तो आप दोनों के बीच में इस साल और भी ज्यादा ये रोमांटिक फीलिंग बढ़ सकती है। फिर है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। अगर आप शादीशुदा है और बच्चों के लिए वेट कर रहे हैं तो इस साल शायद आपको पेरेंट्स बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर आपका इंतजार था अब तक इस हैप्पीनेस को पाने का तो इट्स अ गुड ईयर कि शायद आपको बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जिसका आप दोनों भी इंतजार कर रहे थे। फिर है रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। कुछ लोगों के शायद जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके अगर आप काफी ज्यादा सोच रहे थे और ये पर्सन अगर आपके पास से ही कनेक्टेड है, मतलब नए साल में दोबारा आप दोनों मिले, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी का मोमेंट आप दोनों के सामने आ सकता है, और आपको अगर ये एक्स भी है तो दोबारा उनसे मिलके लग सकता है कि नहीं मुझे इसी पर्सन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है या इसी के साथ ये प्यार का कप शेयर करना है। तो इट डिपेंड्स कि यूनिवर्स आपके सामने कौन से हालात लाते हैं। तो रिकंसिलिएशन की भी काफी ज्यादा चांसेस है, और कोई अगर एक्स है जो पास में है तो वो भी रिटर्न आ सकता है आपकी लाइफ में। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। 2022 को गुड बाय कहते हुए और आने वाले साल को वेलकम करते हुए हम अभी रीडिंग करने जा रहे हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। ऑलरेडी बाकी के जोडियक की साइन राशि की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। अब देखेंगे तीनों डेक में से हम तीन तीन कार्ड लेके कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। जनरल रीडिंग है इसलिए जनरली जो बातें आपसे रेजोनेट करती है उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं।
पहला ही कार्ड है जजमेंट का, तो अवेकनिंग हो सकती है, यानी कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हो सकता है आपको एहसास हो सकता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, यानी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी या आपके पर्सन की अवेकनिंग हो सकती है। आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है एक साथ आने के लिए। फिर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो समय का पहिया अगर आपको लग रहा था कि काफी वक्त से आपके फेवर में नहीं है तो इट्स अ गुड टाइम, धीरे धीरे सही लेकिन आप जिंदगी के ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव बातें आपकी जिंदगी में ये साल लेके आ सकता है। फिर है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरियस लियो या फिर सैजिटेरियस, तो आप किसी एरियस से डील कर सकते हैं, किसी लियो से डील कर सकते हैं या फिर किसी सैजिटेरियस से डील कर सकते हैं। ये आपका बॉस हो सकता है या फिर कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है या आपके या उनकी फैमिली में से कोई पर्सन हो सकता है या फिर आपके कलीग्स में से भी कोई हो सकता है। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके रास्ते में कुछ मुश्किलें डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होने की मतलब काफी ज्यादा प्रिपेयर रहेंगे, यानी कि आपको डरने की बात नहीं है, आप उन मुसीबतों में से सोल्यूशन निकाल पाएंगे। फिर है मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते में जो जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को आप आसानी से साइड में कर सकते हैं क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस आपको इस साल में फील होगा। टाइम टू बी इन चार्ज, आपकी जिंदगी है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये फैसला आपको लेना है। टाइम टू बी इन चार्ज यानी कि कुछ लोगों के साथ अगर सिर्फ घर वाले ही अब तक फैसले लेते आए हैं कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता है, तुम्हारे लिए यही सही होगा, तुम्हारे लिए यही एजुकेशन है, तुम्हें यही जॉब करना पड़ेगा, और आप अगर उस जॉब में हैप्पी नहीं है ना ही उस रिश्ते में आपको कोई इंटरेस्ट है तो आपको अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये सामने वाले लोगों को भी बताना चाहिए। फिर है मल्टीट्यूड पॉसिबिलिटीज, तो इस साल शायद आपके सामने कई सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती है, यानी कि अगर जैसे टाइम अगर आपके फेवर में हो रहा है, काफी वक्त से कुछ रुकावटों का अगर आप सामना कर रहे थे तो आपके सामने कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आ सकती है कि ये भी मिल रहा है वो भी मिल रहा है, यानी कि मनचाहा जीवन साथी भी मिल रहा है, अच्छी जॉब भी मिल रही है और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, लेकिन उसके लिए शायद छोटी मोटी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन रास्ते से इस रास्ते से अगर आगे बढ़ना है तो इन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है जिसको ये पर्सन आसानी से साइड में कर सकता है। तो वैसे ही अगर आप ठान ले कि आपको उन पॉसिबिलिटीज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता तो आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे या जरूर पहुंचेंगे। फिर है कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कोडिपेंडेंसी यानी कि अगर आपका पर्सन मतलब मान लीजिए कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसके घर में कुछ फैमिली इशू चल रहे हैं और उसने काफी वक्त से आपको रोक के रखा है कि नहीं अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मुझे जॉब का कुछ स्टेबल फ्यूचर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मैं पेरेंट को नहीं कन्विंस कर सकता, अब मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, तो ऐसे अगर किसी मसले में आप काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे तो उस कोडिपेंडेंसी से आपको बाहर आना है या अपनी जिंदगी की खुशियों की तरफ आगे बढ़ना है, ये आपको सोचना है। यानी कि जैसे यहाँ पे ये आगे मुसीबतें हैं, ये सोच के कब तक ये इंसान यहाँ पे रुका रहेगा, ये मुसीबतें तो अपने आप रास्ते से हटने को तैयार नहीं है क्योंकि ये जानबूझ के कोई कर रहा है। तो वैसे ही अगर ये पर्सन है जो अपनी जिंदगी में अपने प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और आप उनके लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपको सोचना है कि आपकी रोमांटिक लाइफ आखिर कब आगे बढ़ने वाली है, ये पर्सन आखिर कब फैसला लेना वाला है और उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है, यानी कि दोनों को मिलके कभी ना कभी तो घर वालों को मनाना पड़ेगा, अगर वो नाराज है तो उनको समझाना पड़ेगा, कुछ बातें तो डील करनी पड़ेगी, ये सिर्फ वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकने से बात नहीं होगी। फिर है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कुछ लोग अगर शादीशुदा हैं और किड्स के लिए राह देख रहे हैं तो हो सकता है इस साल आपको गुड न्यूज सुनने को मिले, और अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेके काफी ज्यादा आपको रिलैक्सेशन के भी मोड मिल सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप बच्चों को प्रायोरिटी देते हुए अपने जो कामकाज के जो रूटीन है वो भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपको लग सकता है कि बच्चों को और भी थोड़ा वक्त देने से उनके फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बदल सकता है। फिर रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, तो आपको अपने पर्सन के साथ थोड़ा वक्त बिताने का
समय मिल सकता है, यानी कि काफी वक्त से अपन अगर आप दोनों शादीशुदा हैं, एक दूसरे के से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों में घर में सब उलझे हुए हैं, तो इस साल आपको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी पुरानी यादें भी ताजा हो सकती है। तो ये था जनरल रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।